आज हम लोग बनाएंगे चिकन का सालन, जिसके लिए हम लोगों को चाहिए होगी 2 बड़ी प्याज, जिसको मैंने इस तरह काट लिया है। उसके अलावा मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उसको इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। 1 टेबलस्पून फुल हमें अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट चाहिए होगा, और 2 से 3 टेबलस्पून भर के हम लोगों को चाहिए होगी दही, जिसको मैंने फेंट लिया है हल्का सा। उसके अलावा 3 से 4 क्लोव्स मैंने गार्लिक के लिए हैं, उसको मैंने इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। उसके अलावा मैंने लिए हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, जिसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। उसके अलावा मैंने चिकन ली है, चिकन आप देख सकते हैं ये 1/2 kg है। उसके अलावा मैंने लिया है साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने 6 से 7 या 8 मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, 2 इलायचियाँ ली हैं हरी वाली, 1 बड़ी इलायची ली है, और 1 मैंने बादियान का फूल लिया है, और 1 मैंने जायफल का टुकड़ा लिया है। उसके अलावा मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून या हसबे जायका सॉल्ट लिया है। और उसके अलावा मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, जिसमें हम अपने प्याज को सबसे पहले फ्राई करेंगे। तो चलिए हम लोग चिकन का सालन बनाते हैं। तो हम लोगों ने लिया है 1 पैन, जिसको मैंने हीट कर दिया है और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल 1/2 कप मैंने इसमें शामिल किया है, और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें प्याज, और प्याज को हम लोगों को तब तक फ्राई करना है जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाते। तो इसमें आप थोड़ा सा और भी ऑयल शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे प्याज ज़्यादा हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऑयल शामिल करूँगी। तो अभी तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल है। अब ये प्याज मुझे तब तक हम लोग फ्राई करेंगे इसको जब तक ये ब्राउनिश नहीं हो जाते। मैंने एक बोल लिया है, अब इसमें जो चिकन है हमारी उसको मैं डालूंगी, और जब तक हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन मतलब ब्राउनिश नहीं हो जाते, तब तक हम चिकन में बाकी सारे अज्जा डालेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी गार्लिक, जो मैंने गार्लिक लिया था, और इसको मैं 1/2 कप पानी के अंदर इसका जूस बना लूँगी। अब मैंने जो गार्लिक लिया था, गार्लिक के क्लोव्स, इसके अंदर मैं 1/2 कप पानी ऐड करूंगी और इसका एक जूसा बना लूंगी। अब मैं इस जूस को डालूंगी चिकन के अंदर, पोर करूंगी अच्छे तरीके से, और पोर करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी गार्लिक के जूस में। तो इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का जो पेस्ट जो मैंने लिया था उसको ले लूंगी। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा, नमक, और सबसे आखिर में मैं शामिल करूंगी इसमें फेंटी हुई दही। ये स्टेप कर लेंगे। तो मैं इसको अच्छे से हाथ से मैरिनेट कर लेती हूँ तमाम मसाले को। अब ये चिकन तब तक भीगी रहेगी जब तक हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन नहीं हो जाते। बाय द टाइम हमारी चिकन जो मैरिनेट हो रही है, मतलब कुछ ही देर के लिए, उसको वैसे हमें मैरिनेट नहीं करना, वो स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब तक हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, और जब तक हम उन्हें भून नहीं लेते अच्छी तरीके से, उसका मसाला प्याज का तैयार नहीं कर लेते, तब तक हम अपनी चिकन को मसाले में अच्छे से मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। तो बाय द टाइम ये जो मैंने टमाटर लिए थे, मैं इसको लेकर ब्लेंडर में डालूंगी, क्योंकि ये बहुत मोटे मोटे कटे हुए हैं। तो मैं इसको हल्का सा पानी डालकर मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी।
लेकिन मुझे बिल्कुल इसकी प्यूरी नहीं बनानी है, इसको थोड़ा सा ग्राइंड करना है। इसको डालेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम लोगों के जो प्याज हैं वो काफ़ी हद तक मतलब ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसी के अंदर हम लोग वैसे तो पानी ऐड करते हैं, लेकिन आज मैं टमाटर का जो मैंने जूस बनाया था वो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और इसको मसाला मतलब ये जो मसाला है प्याज का और टमाटर का, इसको मैं भूनूंगी और इसको मैं कवर करके तेज़ आंच पर इस मसाले को अच्छे से पकने दूंगी जब तक ये तैयार नहीं हो जाता। तो हमारे जो प्याज हैं वो टमाटर और प्याज ने काफ़ी हद तक ऑयल छोड़ दिया है और ये काफ़ी हद तक रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी चिकन इसके मसाले के साथ। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे तेज आंच पर भूनेंगे। तो हमने तेज़ आंच पे बनाई करी है अपनी सालन की और इसका ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। अब हम इसमें 2 कप गर्म पानी डालेंगे क्योंकि हमें शोरबे वाला सालन बनाना है, शोरबे वाला। और इसी के साथ साथ हम लोग राइस भी हमने बॉईल करे हैं। तो अब इस स्टेज पे आके हम लोग इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और हमारा साबुत गर्म मसाला जो हमने रखा हुआ था, और इसको उबाल आने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 से 4 अच्छे से बॉयल आ गए हैं। तो अब हम इस स्टेज पर आके इसमें धनिया शामिल करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना गाढ़ा सालन रखना चाहते हैं। मुझे राइस के साथ खाना था, इस वजह से मैंने इसमें पानी डाला है और इसको पतला रखूंगी मैं शोरबा, क्योंकि मुझे बनाना है। और जैसा आप लोग चाहते हैं आप इसको बिल्कुल वैसे ही रखिएगा। तैयार है हमारा मज़ेदार मुर्गी का शोरबा, इसको आप लोग चावलों के साथ खाइए। और इसकी कंसंट्रेशन थिक और थिन आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आपको ये नान या रोटी के साथ खाना है तो आप इसको थिक रखिएगा, और क्योंकि मुझे इसको वाइट राइस के साथ खाना है तो मैंने इसको पतला रखा है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार और यमी बना है। इस रेसिपी को घर में ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।